महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में शनिवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 26 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया है। इस मुठभेड़ में नक्सलियों का कमांडर मिलिंद तेल तुम्बड़े भी मारा गया। तेल तुम्बड़े पर 50 लाख रुपए का इनाम था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वाल्से पाटिल ने इस बात की पुष्टि की है। सभी के शव मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए हैं। इस एनकाउंटर में 3 जवानों के भी घायल होने की खबर है, जिन्हें एयरलिफ्ट कर अस्पताल ले जाया गया है। जिले के SP अंकित गोयल ने इसकी पुष्टि की है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वाल्से पटेल ने 26 नक्सलियों को मौत के घाट उतारने के गढ़चिरौली पुलिस खासकर C60 कमांडो और जिले के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल की तारीफ की। मुंबई से 900 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में शनिवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में कम से कम 26 माओवादी मारे गए। जिला पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने कहा है कि हमने जंगल से अब तक 26 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। गढ़चिरौली पुलिस को मुठभेड़ स्थल से अब तक 29 हथियार मिले हैं। इन हथियारों में 5 AK-47, 1 AK-UBGL, 9 SLR, 1 INSAS, 12 बोर राइफल और 1 पिस्तौल शामिल है। गोयल ने कहा है कि मुठभेड़ सुबह मर्दन टोला वन क्षेत्र के कोर्ची में हुई, जब C60 पुलिस कमांडो की एक टीम अतिरिक्त SP सौम्या मुंडे के नेतृत्व में तलाशी अभियान चला रही थी। हालांकि मारे गए माओवादियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनमें से एक के शीर्ष विद्रोही नेता होने का संदेह है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।